हाँ मेरे प्रिय साथियों, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 और बेसिकली क्लास पहला क्लास हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता ही है कि हमने अपने एप्टीट्यूड की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम क्या है कि हमने लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और उस पहले चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बढ़ाने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का दोस्तों क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं, वो संख्याएं जो कि इमेजिनरी संख्याएं और रियल संख्याएं वास्तविक संख्याएं इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दोस्तों इमेजिनरी संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जो वास्तव में होती नहीं है, उनकी सिर्फ कल्पना की जाती है। ऐसे मतलब हम ऐसे मान लें कि वो संख्याएं जो जिन्हें हम नंबर स्केल पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम दोस्तों इमेजिनरी संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं को नंबर स्केल पर हम बता सकते हैं कि 2, 3 या 4 डिग्री है उनकी, कोई ना कोई है ना, हम कह सकते हैं उनके बारे में, तो हम उन्हें रियल संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बोलें कि मैंने राम को 100 रुपये दिए हैं मतलब पॉजिटिव 100, और मैंने राम 100 रुपये लिए नेगेटिव 100, मतलब हम कह सकते हैं। मगर हम कुछ इमेजिनरी संख्याएं हों तो हम उनको जो है इमेजिन की हुई है, मतलब वो संख्या रियल में एडजस्ट नहीं करते। समय संख्याएं क्या है, तो जो ए जो है इसका ए है ना, ए वो क्या है रियल पार्ट है, सही, इसका रियल पार्ट है समय संख्या का, और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, सही, उसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम बी बराबर 0 कर दें मतलब इमेजिनरी पार्ट हटा दें तो रियल पार्ट बचेगा, उसको रियल संख्याएं कर दें। अगर हम ए को 0 कर दें तो सिर्फ आई भी बचेगा, आई भी बचेगा, ठीक है, तो उस आई बी को हम क्या बोलेंगे, हम उसको इमेजिनरी संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर बी जो है, बी क्या है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जो बी जो है वो क्या इमेजिनरी पार्ट है, ओनली बी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई से मल्टीप्लाई जो बताता है कि जे वैल्यू इमेजिनरी है। तो अब क्या है, रियल नंबर हमारे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, बहुत सारे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम उनको रेशनल नंबर कहते हैं। वो संख्या है जिनको पी अपॉन क्यू या फिर एम अपॉन एन फॉर्म में मतलब ए अपॉन बी कर सकते हैं कि फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिनको ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते हो, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, सही। देखो पी अपॉन इसमें क्या है कि मैंने कहा जिस संख्या को पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दोस्तों पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर क्यू जो है 0 हो गया तो कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, इनफाइनाइट। कोई संख्या हो नीचे 0 तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, सही है। पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो बट क्यू वहां 0 ना हो, कोई संख्या हो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, हाँ पी 0 हो सकता है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो 2 प्रकार होते हैं, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर, सही, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर, समझ गए बात को। इंटीजर नंबर में क्या है कि अगर इस पी अपॉन क्यू में जो क्यू है क्यू की वैल्यू को 1 कर दो या फिर -1 कर दो, तो इनको सॉल्व करेंगे हम तो संख्या कितनी आएगी, -p आएगी। अगर q का मान -1 रखता हूँ तो सॉल्व करने पर -p आएगा, अगर हम q का मान +q रखता हूँ तो सॉल्व करने पर खाली p आएगा। मतलब अगर हम m अपॉन n फॉर्म में n नीचे वाला गायब कर दें, मतलब 1 और -1 रखना मतलब गायब करना उसको, तो क्या है कि वो इंटीजर बन जाएगा, मतलब सिंपल 2/3 है और 3 को मान लो 1 कर दें तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 क्या है, 2 है, सही है। तो यहाँ पे q की वैल्यू अगर 1 और -1 है तो वो इंटीजर बन जाता है। अगर q की वैल्यू 1 और -1 नहीं है, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ q की वैल्यू 1 या -1 है तो उसे इंटीजर कहते हैं, और q की वैल्यू 1 और -1 नहीं है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने q में मोड नहीं लगाया है, यहाँ पर मोड लगाया है, बताओ क्यों। यहाँ पर हमने q मोड लगाया है, इसका मतलब यह है मोड q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब क्यों हमेशा 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 क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है, जो रेशनल नंबर होते हैं रेशनल नंबर एम अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं और फ्रैक्शन भी एम अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, मगर फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डिफरेंस है, रेशनल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है, सही।
अब बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर की, तो दोस्तों इरेशनल नंबर वो जिन्हें पी एफ ऑन क्यू फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब क्या है, अगर हमारे पास मान लो 1.5 है ठीक, तो 1.5 को लिखेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, यानी 3/2 सॉल्व करें 1.5 आएगा, यानी पूरा पूरा बात सही है भाई, इसको हम ए अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है ठीक। अगर हम यही कहें कि अब भैया तुम 3.141 मतलब 3.141 ऐसे लिखा हुआ है, तो अब इसको मुझे बताओ कि किस तरीके से तुम सॉल्व करोगे 3.1414 जो वैल्यू लिखी है, तो इस वैल्यू को तुम मुझे बताओगे कैसे लिखोगे ए अपॉन एफ फॉर्म में। हम किसी भी तरीके लिखेंगे, तो अगर हम कोई भी संख्या लिखेंगे यहाँ, बेसिकली जो यहाँ पर जो 3.1414 वैल्यू है ये क्या थी, 22.7 को सॉल्व करने पे आती थी, तो 22.7 फॉर्म जो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी लंबी संख्या आएगी इनफाइनाइट तक, मतलब इसको पूरा पूरा हम कभी भी इंटीरियर में सो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जिन संख्याओं को ए अपॉन क्यू फॉर्म में संख्या ये है, इसको ए अपॉन क्यू फॉर्म में पूरी तरह रिप्रेजेंट ना कर सकते हो, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं ठीक। इरेशनल नंबर एग्जांपल बताऊं तो सार्स और ट्रांसडेंटल ठीक है, TRANSDENTAL ट्रांसडेंटल। तो सार्स क्या है, कर्णी में अंडर टू अंडर थ्री वगैरह जो क्या है सार्स फॉर्म में है, तो अंडर टू अंडर थ्री सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। और ट्रांसडेंटल फॉर्म जैसे ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो 2.7272 वगैरह, पाई वैल्यू 3.1414 वगैरह, तो ये सारी वैल्यू क्या है, इरेशनल है। दोस्तों आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया होंगे, इरेशनल को हम इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे, तो अनरूट को हम जो क्या था, अनरूट क्या था, इरेशनल नंबर था, और इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता था, तो याद करो हम अनरूट टू की वैल्यू ये ले लेते थे, है ना, अब बन यहाँ ले लेते थे, तो अनरूट टू बन यहाँ ले लेते, बन यहाँ और अनरूट टू इसे ले लेते, तो इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा, 2 था इसका 1 था, तो इस तरीके से हम जे वैल्यू यहाँ पर जे वैल्यू √3। तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, यहाँ पर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे। अच्छा, अब जो फ्रैक्शन और इंटीजर है दोस्तों, ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। दोस्तों फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या है, 2/3 ये क्या है, फ्रैक्शन है ठीक। तो दोस्तों है क्या फ्रैक्शन, और मैंने कहा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी भिन्न कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है, -2/3 -5/7 कुछ हो सकती है। तो अब फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक। दूसरा दोस्तों होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। देखो अगर तुम्हारे पास पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है सही, और इसमें पी जो है ऊपर वाला पी जो है वो कम है क्यू से, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे 2/3। सिंपल मतलब यह है कि हम राम 3 भाई लोग हैं, उनके पास 3 सेब हैं, राम ने 2 सेब ले लिए, तो 3 सेबों में से उसने 2 सेब ले लिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3। यानी हम ये भिन्न जो है बेसिकली भिन्न फ्रैक्शन का यूज हम किसी बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा लेने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी प्रॉपर मैनर है, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर 5/2 लिखा हो मतलब पी जो है बड़ा हो क्यू से, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है, मतलब इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, जी प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। मिक्स फ्रैक्शन दोस्तों 5/2 लिखा हुआ है ठीक है, आपने कई बार क्वेश्चन किया होगा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, देखो दोस्तों 2 का टेबल मतलब क्या है, 2 का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना 5वें तक, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना बचा, 1 बचा, 5 तक पढ़ना है ना, 1 बचा, जो बचा इसको यहाँ कर दिया, इसे बोलते हैं 2 सही 1/2, ये अंश है ये हर है दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2+1/2, यानी 2 और 1/2 ठीक। ये तो हमारे क्या फ्रैक्शन के टाइप हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से
अब मैं बात करने वाला हूं दूसरा, जिसका नाम था इंटीजर। दोस्तों इंटीजर के भी तीन टाइप होते हैं, ठीक, इंटीजर के भी तीन टाइप होते हैं। पहला है नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक और फिर जीरो। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर जो है, जैसे -2, -3, -4 वगैरह, जब माइनस संख्या होती है, जब प्लस में होती है 2, 3, 4, 1 वगैरह और जीरो। अब यूँ देखो 0, 1, 2 जो क्या प्लस में है, अगर माइनस होते हैं, ठीक, तो जीरो जो है, जीरो कोई अपनी वैल्यू नहीं, ना तो उसको उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब सॉरी उसकी कोई अपनी मॉडुलेट वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसको ना तो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर, नल इंटीजर कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्लस 1, 2, 3, 4 जो क्या पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो तीन टाइप इंटीजर्स हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, बड़ी चीज़ों को अपने क्लास में आगे पूरे करेंगे। हम अगले क्लास में बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंप्यूटर नंबर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ओके। तो मैं समझता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने पहला वीडियो निकाला है अपलोड का, और दोस्तों इस वीडियो को मेरे बहुत शेयर करो, ताकि मेरे जो मेरे वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो सिद्ध हो सके। और मेरा जो खास बात यह है कि इस वीडियो को हम हर जगह भेज सकते हैं, सबके लिए भेज सकते हैं, सबके लिए सेंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, मैंने बताया बहुत सारे नाम है ना, बैंक के लिए, IUPSC एग्जाम के लिए, गेट के लिए, और सीटेट के लिए, टेट के लिए, है ना। तो टेट और सीटेट का नाम मैं लिखना भूल गया था, बुरा मत मानना, है ना। तो TET और CET, ठीक है, टेट और सीटेट के लिए भी, तो इन सब के लिए हमारा बहुत उपयोगी लेक्चर है, प्लीज़ शेयर करें, थैंक यू।